Hi guys, welcome and welcome back to my channel and welcome to day 4 of being productive series. और अभी मैं पूरी फ्री हो चुकी हूँ, नहा धोके अपने मेरे सारे काम हो चुके हैं, मॉर्निंग के जो भी रूटीन टास्क होते हैं। टाइम बताओ अभी कितना हो रहा होगा। हाँ, अभी इट्स 10:38 AM और अब मुझे बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। वैसे पूरी फ्री तो नहीं हुई हूँ, मुझे अभी कुछ खाना मैंने खाया नहीं है, पर वो ठीक है, आगे खा लेंगे। और अभी मुझे करना है सबसे पहले करेंट अफेयर्स, सो यस लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी एज यूजुअल, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखती है। नहीं तो आई गेट सो कन्फ्यूज्ड कि अभी ये टॉपिक पढ़ूँ या वो टॉपिक पढ़ूँ और फिर एक भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता है। तो इसलिए अगर टू डू लिस्ट में मुझे पता होता है कि मुझे यही चीज़ पढ़नी है तो फिर मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। सो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उसके बाद सबसे पहले मैं अभी कर रही हूँ क्वांट, और क्वांट में करी थी मैंने प्री लेवल की DI। मेरे पास ऑलरेडी PDF थी तो मैंने उसी से DI सॉल्व करी थी। और मुझे ना जहाँ पे भी PDFs मिलती है किसी ऐप पे या टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उनको डाउनलोड कर लेती हूँ एंड देन आई सॉल्व देम, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। क्वांट के बाद मैंने करे थे करंट अफेयर्स, और ये 26th एंड 27th मई के एक साथ थे, क्योंकि 26th को संडे था। तो ये दोनों मैंने ना वीडियो लेक्चर देखे थे, क्योंकि मेरा PDF से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। प्लस दो दिन के होते हैं ना, तो वो थोड़ी PDF भी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली दो दिन के करंट अफेयर्स आप कवर करते हो, तो इसलिए वीडियो लेक्चर से ना उतना बोरिंग नहीं लगता है जब सर समझाते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर अटेंड करा था अफेयर्स क्लाउड का। सो आई एम डन विथ करेंट अफेयर्स, और अभी बज रहे हैं 12, मतलब एक मिनट है बजने वाला 12। और मेरे ना वो दो दिन के थे तो मैंने वीडियो लेक्चर से कराए तो हो तो गए, पर मुझे उसको वापस से PDF से रिवाइज करना पड़ेगा बाद में, तो वो मैं आज रात में या फिर कल करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैंने बहुत डिले कर दिया है, तो अब बस मैं जा रही हूँ खाने, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गो। लंच में बनी थी टिंडे की सब्ज़ी और मैंगो शेक, तो मैंने वो खाया। उसके बाद मैं 10-15 मिनट बाहर गई थी कुछ काम से। गाइस, बाहर कितनी गर्मी है। अभी मैं अपनी सोसाइटी में गई थी, बेसिकली मुझे बस अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था, मैं 10 मिनट के लिए थी बाहर खाली। उसमें भी इतनी गर्मी लगी मुझे, क्योंकि इतनी लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है, तो मैं पूरी पसीने में हो गई थी। और अभी मैं जस्ट रूम में आके AC वगैरह चलाया, तो अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो लोग बाहर इतनी धूप में काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेबर हैं, उनको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी। हम तो फिर भी इतने प्रिविलेज हैं कि घर में आके AC कूलर फैन में बैठ जाते हैं, पर बहुत से लोगों के पास वो प्रिविलेज भी नहीं है। सो वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव एंड मतलब हाँ सो हाँ मैं बोल रही थी कि वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव एंड वी शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो, जो भी मतलब बाहर इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, उनको पानी के लिए पूछना चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। एंड या तो अभी मेरे रूम के बाहर कोई था, मम्मी या पापा कोई होंगे, सो चलो बाय। अभी मैं कर रही हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में एक सेकंड, अभी मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और रीजनिंग में मैं कर रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल की अंकुश लांबा सर के वीडियो लेक्चर से। तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने उनसे ही सीखी है, इसलिए वीडियो क्लासेस भी मैं उनकी ही अटेंड करती हूँ। सो यस लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों ने ना कभी कभी मुझसे पूछा है कमेंट्स में कि मैं रीजनिंग किससे पढ़ती हूँ या फिर थ्रेड मेथड यूज़ करती हूँ क्या मैं पज़ल्स के लिए, जो अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं। तो मैं नहीं करती थ्रेड मेथड यूज़, मैं हमेशा से ना सौरभ सर और शुभम सर से ही पढ़ती आई हूँ पज़ल्स, स्पेशली जो अड्डा पिट पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। क्योंकि अंकुश लांबा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर उनका अलग तरीका पज़ल सॉल्व कराने का और इनका अलग है, तो इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, इसलिए मैंने उनसे नहीं पढ़ा है। पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, तो वो मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़ी है, तो फिर इसलिए मैं जिस टीचर से जो टॉपिक पढ़ती हूँ ना उन्हीं से फिर मैं आगे कंटिन्यू रखती हूँ, मैं चेंज नहीं करती हूँ, स्विच नहीं करती। सो यस, पजल्स वगैरह मैंने मोस्टली अड्डा से करे हैं, और कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़े हैं। सो गाइज, रीजनिंग पढ़ने के बाद ऑफकोर्स मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन उस ब्रेक में मैंने कुछ भी करा नहीं था वीडियो में दिखाने लायक, इसलिए मैंने इसमें दिखाया नहीं है, बट आई टुक अ ब्रेक। उसके बाद मैं वापस आई थी पढ़ने के लिए, और अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में ना संतोष सर मेन्स की क्लासेस आजकल वापस लेने लगे हैं, पहले मैं करती थी, फिर उनके सारे लेक्चर खत्म हो गए थे, मतलब वो पहले पढ़ाते होंगे तो वो वाले लेक्चर्स थे, नए नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने PDF सॉल्व करना शुरू कर दिया। पर अब वो वापस से मेन्स की सीरीज ले आए हैं, तो मैंने उससे वीडियो मॉक दिया था एक। तो अभी मैंने डिसाइड करा है कि अभी मैं पढ़ूंगी अर्थमेटिक अपनी RS अग्रवाल की बुक से, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन की एकदम स्टार्टिंग में ले ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कौन सी बुक्स लेते हैं, तो मैंने RS अग्रवाल की ले ली थी। तो इसमें ना बुक देख के आप समझ सकते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, तो अभी वो मैं करूँगी। और साथ में लैपटॉप में मैं ना कुछ स्टडी प्लेलिस्ट वगैरह चला लूँगी, ताकि थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी रहे, क्योंकि
क्वांट पढ़ना और उसमें भी अर्थमेटिक पढ़ना थोड़ा वैसा होता है, तो चलो ठीक है थोड़े गाने वाने सुनते सुनते हम पढ़ लेंगे। सो यस लेट्स स्टार्ट। तो मैं ना सेल्फ स्टडी करते टाइम कभी कभी ये स्टडी प्लेलिस्ट चला लेती हूँ। स्पॉटिफाई पे सर्च करो तो काफ़ी सारी स्टडी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं, तो उनमें से ही मैं कोई एक चला लेती हूँ। तो ये ना थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है। अब मुझे पता नहीं कि फोकस सच में बढ़ता है या नहीं बढ़ता, पर कभी कभी जब आप ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तब आप इसको चला सकते हो, तो थोड़ा आपको बोरियत नहीं होती है और आप अच्छे रिलैक्स्ड माइंड से पढ़ सकते हो। पर अगर मुझे कभी स्पीड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने, तब मैं नहीं चलाती, नहीं तो अदरवाइज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। पर अगर नॉर्मली प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं कभी कभी सॉन्ग्स चला लेती हूँ, लाइट सॉन्ग्स या फिर ये स्टडी प्लेलिस्ट। सो यस इट हेल्प्स मी समटाइम्स। सो दिस वॉज माई लास्ट स्टडी सेशन। इसके बाद मैंने एक पेड़ा खाया था और उसके बाद मैं सीधा सोने चली गई थी। और पता नहीं क्यों मैं आजकल वीडियो का आउट्रो करना भूल जाती हूँ। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड।